बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी और सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो 2022-23 के सेशन के लिए सिलेबस तो ऑलरेडी आपका आ चुका था, लेकिन अब एक न्यू रिवाइज सिलेबस आया हुआ। अब इसमें बहुत से डाउट्स आपके क्लियर कर दिए गए, जैसे कि सबसे पहला डाउट ये कि टर्म वन का हमारा सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि टर्म वन के जो एग्जाम्स होंगे वो हमारे कब कंडक्ट करवाए जाएंगे और इसमें हमें कितना सिलेबस जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सिलेबस की अगर हम बात करें टर्म वन में, तो आपकी जो किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी कि मतलब तीन किताबें हैं आपके भाग 1, 2 और 3, तो इन तीनों ही बुक्स में से टोटल आपके 9 चैप्टर आएंगे। अब ये 9 चैप्टर कौन कौन से होंगे इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सितंबर के एंड तक ये आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा स्कूल में टीचर्स के द्वारा, और मिडल ऑफ अक्टूबर आपके जो एग्जाम्स है 2022 में टर्म वन के क्लास 12 के कंडक्ट करवाए जाएंगे स्कूल बेस पे। तो ये तो हो गया टर्म वन का। फिर बारी आ जाती है प्री बोर्ड की और बोर्ड एग्जाम की। तो देखो प्री बोर्ड हो या बोर्ड एग्जाम हो, दोनों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, यानी कि जो आपका होल कंप्लीट सिलेबस होता है वो आएगा आपका इसमें। अब एग्जाम्स को हम देख लेते हैं। तो देखो सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट सिलेबस वो दिसंबर के स्टार्टिंग तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है ना, प्री बोर्ड आपके जो एग्जाम्स हैं वो मिडल ऑफ दिसंबर के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे, और जब आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद इसका जब परिणाम आएगा उसको चर्चा करने के बाद और आपका सिलेबस एक बार दोबारा से रिवीजन करने के बाद में मिडल ऑफ फरवरी 2022-23 का जो सेशन है आपका, इसके लिए 2023 के मिडल ऑफ फरवरी में आपके एग्जाम्स जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे बोर्ड बेस पे, ठीक है। तो टर्म वन का क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम कब होंगे, प्री बोर्ड का सिलेबस एग्जाम और बोर्ड का सिलेबस एग्जाम, आई होप कि इसके बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो अब हम समझते हैं आपके कि हर एक टर्म वन में प्री बोर्ड में कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाने किस किस बुक से। और ये वीडियो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए होने वाले, तो पूरा देखिएगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और अगर आपने हमारे क्लास 12 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस तरीके से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उससे जाके क्लिक करके सर्च कर सकते हो, ताकि आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट नोट्स वगैरह आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो बुक है यहाँ पे देखो आपको छोटा सा ऊपर दिख रहा होगा भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 है, तो इसमें से देखो आपकी जो विषय सूची जो है वो कुछ इस तरह की है भाग 1 की, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 है ईंटें मन की तथा अस्थियां, बेसिकली हड़प्पा सभ्यता पे बेस है ये चैप्टर। सेकंड है राजा किसान और नगर, ठीक है, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं इससे संबंधित है। बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज के बारे में है। विचारक विश्वास और इमारत, ये टोटल 4 चैप्टर जो है इस बुक से आपके आएंगे टर्म 1 के एग्जाम में, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में डिक्स बीट्स एंड बोन्स, ठीक है, थीम 2, थीम 3 एंड थीम 4, ये चारों ही चैप्टर आपके टर्म 1 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बोर्ड में तो खैर आपके आने ही है। अब सेकंड आ जाती है बुक आपकी भारतीय इतिहास से कुछ विषय भाग 2, तो इसमें देखो चैप्टर 5 है यात्रियों के नजरिए, ठीक है, ये आएगा आपका। चैप्टर 6 है हमारा भक्ति सूफी परंपराएं, ये आएगा आपका। चैप्टर 7 है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये आएगा। और चैप्टर 8 है किसान जमींदार और राज, ये चैप्टर आएगा। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि टर्म 1 के एग्जाम में फर्स्ट बुक से हमारे 4 चैप्टर हो गए, सेकंड बुक से 4 हो गए। अब इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 9 है शासक और इतिवृत्त, ये चैप्टर आपका डिलीट है, ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में थीम 5 आएगी, थीम 6, थीम 8 सॉरी 7 और थीम 8 ये आएगा। थीम 9 जो है वो आपका डिलीट है, ठीक है। तो टर्म 1 के लिए टोटल अभी तक हमारे कितने चैप्टर्स हो गए हैं, 8। अब जो हमारी लास्ट वाली बुक है थर्ड वाली बुक, इसमें से देखो बेसिकली इसमें ये जो देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है किससे, जो ब्लू कलर का बॉक्स है, तो ये इंडिकेट करता है किस चीज को, टर्म 1 के एग्जाम के चैप्टर को, ठीक है। तो ये आएगा हमारा टर्म 1, ठीक है, ये चीज हो गई। तो टोटल टर्म 1 के एग्जाम में हमारा फर्स्ट बुक से आगे हमारे 4 चैप्टर्स, ठीक है, सेकंड बुक से हमारे 4 आ गए, 9वां चैप्टर आपका कटा हुआ है, और थर्ड बुक से हमारा 1 ये हो गया। तो टोटल 9 चैप्टर्स हमारे आ गए टर्म 1 के एग्जाम में, जो कि कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, अक्टूबर के मिडल में। अब बारी आ जाती है प्री बोर्ड की। तो प्री बोर्ड के लिए देखो आपको टर्म 1 के जितने चैप्टर हैं वो पूरे पढ़ने हैं, उसके बाद में चैप्टर 11 जो है विद्रोही और राज ये पढ़ना है, ठीक है, थीम 11 है रिवेल्स एंड द राज। और फिर आपका चैप्टर है 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, थीम 13 और थीम 14 यानी कि विषय 15 है संविधान का निर्माण, ठीक है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आएंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, और जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका फुल्ली कंप्लीट सिलेबस है। और प्री बोर्ड एग्जाम की जहां तक बात रही है तो मिडल ऑफ दिसंबर में आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं ये आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे मिडल ऑफ
फरवरी 2023 के बाद में, ठीक है। तो ये तो आपको यहाँ पे सिलेबस समझ में आ गया जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको उस सिलेबस को दिखाता हूँ जो आपका एक्चुअल में ऑफिशियल सिलेबस आया हुआ है। लेकिन उसे दिखाने से पहले अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये आपका एक्चुअल में जो एनुअल सिलेबस है वो है, ठीक है, जिसमें देख सकते हैं जो आपका टर्म वन होगा उसमें सबसे पहला चैप्टर भाग एक का अध्याय एक रहेगा, ईंटें मन के तथा अस्थि। अब देखो अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इसको ज्वाइन करना होगा, जेएसके 12th क्लास, इस तरीके से सर्च कर लेना, इस तरीके का आइकन आएगा, और उसे ज्वाइन कर लेना, या फिर जो ऑफिशियल है हमारा उसे भी आप ज्वाइन कर सकते। तो यहाँ पे देखो आपका चैप्टर वन आएगा ईंटें मन की तथा अस्थि पार्ट वन में, ठीक है, भाग एक है। अध्याय दो रहेगा इसका राजा किसान और नगर, ये रहेगा आपका। अध्याय तीन रहेगा बंधुत्व तो जाति तथा वर्ग। अब इसमें देखो क्या होगा, जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, तो वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अध्याय चार रहेगा हमारा नीचे है, जो कि विचारक विश्वास और इमारतें हैं, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आप देख सकते हो। फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे चैप्टर फाइव यात्रियों के नजरिए भाग दो, यानी कि दो क्या है ये चैप्टर फाइव है यात्रियों के नजरिए। चैप्टर सिक्स है हमारा भक्ति सूफी परंपराएं, तो इसमें देखो क्या क्या आएगा, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर चैप्टर सेवन है हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर एट है हमारा यहाँ पे किसान और जमींदार, और दूसरी बुक से आपका जो चैप्टर नंबर नाइन है वो डिलीट है, ठीक है। अब भाग तीन से अध्याय दस रहेगा हमारा उपनिवेशवाद और देहात। अब इसमें से देखो क्या लिखा है, मध्य अवधि पाठ्यक्रम 30 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद मध्य अवधि की आपकी परीक्षा। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में है, द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज चैप्टर नंबर वन है हमारा, ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा। चैप्टर थर्ड है हमारा यहाँ पे एक सेकंड नीचे की तरफ होगा, हाँ यह है सोशल हिस्टोरीज यूजिंग द महाभारत, ठीक है। और यहाँ पे फिर चैप्टर फोर है हमारा, एंड फिर पार्ट टू आ जाता है, पार्ट टू का चैप्टर नंबर फाइव है हमारा मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रेवलर्स अकाउंट्स। के बाद चैप्टर सिक्स आ जाता है रिलीजियस हिस्टोरियस द भक्ति सूफी ट्रेडिशन, इसके बारे में। फिर चैप्टर सेवन आ जाता है न्यू आर्किटेक्चर हम्पी ब्रॉड ओवर व्यू, इसके बारे में। फिर चैप्टर एट आ जाता है हमारा, देन उसके बाद चैप्टर नंबर आता है थर्ड बुक से 10, ये आएगा आपका टर्म वन के एग्जाम। जब आपका प्री बोर्ड होगा, जो बोर्ड होगा उसमें टर्म वन के तो चैप्टर आने ही है। उसके बाद चैप्टर 11 आएगा विद्रोही और राज, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर आपका 13 रहेगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और चैप्टर 15 रहेगा संविधान का निर्माण। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में है, चैप्टर 11 रहेगा आपका, उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 13 है ये आएगा, देन चैप्टर नंबर 15 ये आएगा। तो इस तरीके से टर्म वन और टर्म टू यानी कि एनुअल और प्री बोर्ड वगैरह जो भी है बोर्ड्स हैं आपके, उन सभी का क्या सिलेबस रहेगा, इन सभी के बारे में आई होप कि आपको सारी की सारी नॉलेज यहाँ पे मिल गई होगी, ठीक है। तो गाइस अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको सिलेबस अच्छे से आ गया हो, पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।